हेलो एवरीवन। ज़्यादातर जब हम हमारे ड्रेस मटेरियल या फिर अनस्टिच सूट जो ख़रीदते हैं उसके जो कुर्ती में जो है वो कपड़ा काफ़ी कम होता है, चाहे वो प्रिंटेड हो या एम्ब्रॉयडरी हो। कपड़ा कम होने की वजह से जो है हम उसकी साइज़ तो बड़ी बना लेते हैं लेकिन जो उसके बाजू होते हैं या उसके स्लीव्स होते हैं उसकी लंबाई हम पूरी नहीं निकाल पाते हैं, चाहे लंबे स्लीव्स हो या 3/4 हो या फिर क्वार्टर हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से जो है अपने जो आस्तीन की लंबाई हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं अगर कपड़ा कम हो तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने इस वीडियो में 4 ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिसकी जो है आस्तीन के लिए कपड़ा बिल्कुल कम था लेकिन मैंने उसकी आस्तीन की लंबाई भी बढ़ाई है और किस तरीके से हम उसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं या फिर उसके पैटर्न भी बना सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इन 4 ड्रेस में से आपको कोई ना कोई डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगी जिसे आप अपने कपड़ों के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाला जो था मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता था जिसका जो आस्तीन जो है वो हाफ बन रहे थे तो मैंने इसे 3/4 तक के आस्तीन की लंबाई इसकी बना ली है। उसके लिए मैंने क्या किया है, जो बच गया था कपड़ा मेरी कुर्ती का पूरी कटिंग कर लेने के बाद और आस्तीन निकाल लेने के बाद, तो लंबाई बढ़ाने के लिए जो है मैंने उसकी 1 से 1.5 इंच की जो है ये फ्रिल लगा दी है इसे। तो फ्रिल लगाने की वजह से जो है ये 3/4 के करीब करीब मेरे आस्तीन बन गए हैं और आस्तीन बिल्कुल प्लेन थे, इसका कपड़ा जो है बिल्कुल प्लेन था। तो मैंने उस पर लेस लगा दी गोल्डन कलर की। ये था इसका नीचे का हिस्सा जो है दामन का जिसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी थी और इसके ऊपर लेस लगी हुई थी। तो इसी तरीके की लेस लगा कर भी हम जो है इसके प्लेन स्लीव्स को जो है हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते थे। और ये है इसकी बैक साइड। इस सूट की जो बॉटम थी वो भी सेम कलर की टॉप के कलर की ही थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि इसकी बॉटम का कलर क्या था या अनस्टिच सूट किस तरीके के थे तो मैं एंड स्क्रीन पर उसकी वीडियो लगा दूंगी, मैंने वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया, वो ज़रूर देख सकते हैं। तो इसका जो बॉटम का कपड़ा था वो काफ़ी हल्का था और कुर्ती का कपड़ा जो था बहुत ही अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी। अगर मैं उसी कपड़े की इसकी बॉटम बनाती तो ये सूट ही बेकार हो जाता, ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। इसीलिए मैंने जो है इसके एम्ब्रॉयडरी के कलर के जो फूल थे उन बूटियों के उन फूलों के कलर का ही जो है ये कॉटन का कपड़ा लिया है 2 मीटर का। उसके साथ मैंने इसकी सिंपल सी शलवार बना दी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और उठ के भी दिख रहा था, जैसे कि ये कॉन्ट्रास्ट कलर था तो बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब देखते हैं ये दूसरा वाला सूट। तो ये वाला भी फुल एम्ब्रॉयडरी सूट है। ये 4 सूट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फुल पार्टी वेयर है, फेस्टिवल में हम पहन सकते हैं, शादी ब्याह में हम पहन सकते हैं, जैसे कि अब त्यौहारों का मौका आ रहा है तो इस तरीके के सूट बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसके जो है पंजाबी सूट जो है जैसे कि हम सेमी पटियाला शलवार के साथ अगर बनाते हैं इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क वाले सूट बहुत खूबसूरत लगते हैं पटियाला शलवार के साथ, सेमी पटियाला शलवार के साथ। तो इसके आस्तीनों के लिए लगभग 3/4 कपड़ा निकल गया था। अगर नहीं भी निकलता तो इसमें हम जॉइंट लगाकर जो मैंने लेस लगाई है वो जॉइंट पर हम अपनी लेस लगा सकते थे जिससे कि जॉइंट छुप जाते और हमारे आस्तीन की लंबाई भी बढ़ जाती। साइड से जो हमारी पट्टियाँ निकलती हैं उसे हम आस्तीन की लंबाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये जो है मैंने पर्पल और गोल्डन कलर की मेरे पास लेस रखी हुई थी वो मैंने दोनों आस्तीनों पर लगा ली है। नीचे जो है खूबसूरत सी इसकी ये चौड़ी बॉर्डर थी। अब अगर हम चाहें तो इसे एक और तरीका भी है इसके आस्तीन की लंबाई बढ़ाने के लिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट सूट में बताती हूँ। तो सिंपल से गोल गले के साथ ये है इसका बैक साइड। अब इसकी देख लेते हैं बॉटम मैंने किस तरीके से बनाई है। जैसा कि मैंने कहा कि इस तरीके एम्ब्रॉयडरी वाले सूट जो है वो फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उसके साथ जो है मैंने 2 मीटर कपड़ा ही था हमें इसकी बॉटम के लिए, तो सेमी पटियाला शलवार बनाई है मैंने उसकी और जो लेस मैंने आस्तीन में लगाई थी वही लेस जो है इसके पाइचों पर भी लगा दी है। तो जितना घेर था उसकी मैंने प्लेट्स डाल के इसकी शलवार बना दी है और नीचे जो है मेरे पास जितनी लेस बची थी मैंने उसको इस तरीके से डबल जो है मैंने इसकी लेस लगा दी है और बुकरम डाल के जो है इसके मैंने पाइचे तैयार कर लिए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से इसकी सेमी पटियाला शलवार बनके तैयार हो गई है। अगर आप इसका दुपट्टा देखना चाहते हैं तो मैंने जो अनस्टिच सूट की वीडियो जो मैंने बनाई है मेरे चैनल पर है उसमें आप देख सकते हैं कि इनके दुपट्टे के कैसे हैं और किस तरीके से हैं। तो अब देख लेते हैं अगला वाला सूट। तो ये वाला जो सूट था ये सबसे खूबसूरत सूट था, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरीके के जो सूट होते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले उसका जो फ्रंट होता है वो क्रॉस होता है, सामने का जो हिस्सा होता है उसका दामन का वो क्रॉस होने की वजह से इसकी लंबाई पूरी तरीके से नहीं निकल पाती है और आस्तीन के लिए तो वैसे भी कपड़ा काफ़ी कम होता है जिसकी वजह से हमारे इसके आस्तीन लंबे नहीं निकल पाते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने बचा हुआ कपड़ा जो कुर्ती की कटिंग के बाद जो कपड़ा बच गया था उसे मैंने आस्तीनों की लंबाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है और सेम जो इसके एम्ब्रॉयडरी वर्क था उसी से मिलता जुलता जो मैंने लेस ले ली है, वेलवेट की जो एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली लेस होती है वो लेस और उसी के साथ जो है मेरे पास जर का धागा था जिसकी मैंने अंदर सिलाइयाँ लगाई हैं। गोल्डन कलर होने की वजह से इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो नीचे की तरफ भी मैंने इसकी लेस लगा दी है। तो ये दोनों ही लेस जो है मेरे पास घर में रखी हुई थी, तो नीचे की तरफ भी लेस और ऊपर की तरफ भी जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क की मिलती जुलती लेस लगाई है जिससे कि हमारी आस्तीन की लंबाई भी बढ़ गई और जो जॉइंट लगाया था मैंने वो भी छुप गया है। तो इस कुर्ती की जो है बॉर्डर जो है वो 3 से 4 इंच की है जो कि एम्ब्रॉयडरी वर्क की है। तो अगर हम चाहें तो बॉर्डर पर जो है वो वेलवेट वाली जो मैंने बारीक लेस आस्तीन पर लगाई है वो हम इस बॉर्डर पर लगा सकते हैं और इसकी बॉर्डर निकाल के जो है हम आस्तीन पर स्लीव्स पर लगा सकते हैं। तो 3 से 4 इंच जो है हमारी स्लीव्स की लंबाई आसानी से बढ़ जाएगी और जो है बॉर्डर पर अगर हम पतली भी लेस लगाते हैं तो भी ये खूबसूरत ही दिखाई देगा क्योंकि फ्रंट पर जो है वो पूरा ही कुर्ती पर इसके एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो इसकी बॉर्डर को भी हम आस्तीनों पर उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत ही खूबसूरत लगेगा और पैटर्न भी बहुत अच्छा लगेगा ये अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो। अब एक और चीज़ है जो इस कुर्ती में आप देख रहे होंगे कि जो इसके बैक साइड का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच जो है वो बड़ा है। तो अगर जो हेल्दी लेडीज़ होती हैं तो जो ऊपर की तरफ जो है उनका बैक साइड का जो कुर्ती का हिस्सा होता है ऊपर की तरफ खिंच जाता है, तो वो ऊपर की तरफ ना जाए उसके लिए जो है हमें जो बैक साइड है उसको 1 से 1.5 इंच ज़्यादा फ्रंट के मुकाबले में ज़्यादा उस कपड़ा ज़्यादा रख के हमें उसकी कटिंग करनी है, जिसकी वजह से जो है ये पीछे का हिस्सा 1 से 1.5 इंच बढ़ जाएगा और जो हमारी कुर्ती पीछे की तरफ से ऊपर खिंच जाती थी या ऊपर की तरफ सरक जाती तो वो इस तरीके से नहीं होगा। तो ये हेल्दी लेडीज़ जो होती हैं उनके लिए ये ट्रिक है। तो गोल गले के साथ ये है इसकी बैक साइड। अब देख लेते हैं इसकी बॉटम। तो बॉटम के लिए भी 2 मीटर का ही कपड़ा था, तो 2 मीटर के कपड़े में मैंने इसकी ये सिंपल सी शलवार बनाई है और जो लेस मैंने इसके स्लीव्स पर लगाई थी वही बच गई थी। जैसा कि मैंने कहा मेरे पास घर में रखी हुई लेसिंग थी ये, तो उसी को मैंने जो है इसके पाइचों पर इस्तेमाल कर लिया है, दोनों ही पाइचों पर। हम चाहें तो इस पर वेलवेट वाली लेस भी लगा सकते थे इसके पाइचों पर। तो 30 से 35 रुपये में जो है ये वेलवेट वाली लेस आसानी से हमें बाज़ार में मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। तो अब अगला वाला सूट देख लेते हैं। तो अगला वाला ये जो सूट का कलर है काफ़ी हल्का है जिसकी वजह से ये सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत सूट है ये। तो ये है इसकी एम्ब्रॉयडरी वर्क और सिंपल सा इसका जो है एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से जो गला था वो गला तैयार किया है। अब देख लेते हैं इसके बाजू जो है उसकी लंबाई हमने किस तरीके से बढ़ाई है। तो इसके बाजू जो है इसमें कपड़ा हमें अच्छा ज़्यादा था जिसकी वजह से हमारे 3/4 बाजू बन रहे थे, तो मैंने जो है उसके कपड़े को भी इस्तेमाल किया है। तो ये है इसके कपड़े पर जो है ये पट्टियाँ या सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं, जिस तरीके से इसके बाजू पर 3-3 और 4-4 सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं और इसके जो बॉर्डर पर जो चौड़ी लेस थी तो वो वाली लेस मैंने निकाल के इसके आस्तीनों पर लगाई है, ये देख सकते हैं आप। ये है इसकी बॉर्डर, घेरे की इसकी बॉर्डर मैंने इस्तेमाल की है, साथ ही में जो है पट्टी लगी हुई वो घेरे की बॉर्डर के साथ ही थी। 4 सिलाइयाँ लगाई हैं उसी के साथ जो है ये बॉर्डर इस्तेमाल कर ली। तो आस्तीन की लंबाई तो काफ़ी कपड़ा था हमारे पास, उसके बावजूद भी आस्तीन की लंबाई बढ़ गई है और खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अब ये जो है ये वाली जो है ट्रिक हम जैसे कि हमारे अगर कपड़ा कम होता है आस्तीन के लिए तो इस तरीके से जो है हम बॉर्डर निकाल के भी अपने आस्तीन की लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों ही तरफ जो है मैंने इस तरीके से बॉर्डर लगा के इस आस्तीन को जो है डिज़ाइन कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये पहनने के बाद, ये सूट बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब बात करते हैं कि इसका घेरा खाली रह जाएगा तो इसकी एम्ब्रॉयडरी पट्टी पर जो ये कुरेशा वाली कॉटन की लेस थी हम उस तरीके की लेस मिलती जुलती अगर हमें मिलती है बाज़ार में तो वो लेकर हम इसके घेरे पर डबल लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इसका घेरा खाली दिखाई नहीं देगा, या फिर हम कोई और तरीके की भी लेस जो है सेम कलर की लेके हम इसके दामन पर लगा सकते हैं। तो मैंने भी इसके दामन पर लेस लगाई है, लटकन वाली जो लेस होती है वो मैंने इसके दामन पर लगाई है। तो इस तरीके की जो लटकन लेस होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है, हम इसे दामन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्ती के स्लीव्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी बॉटम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बची हुई लेस है इसे भी हम अपनी बॉटम पर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जो मैंने मेरी बॉटम बनाई है वो खुले पाइचों की बनाई है, जिसकी वजह से जो है ये लेस मुझे कम पड़ रही थी और मुझे सेम कलर की लेस नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने जो इसकी बची हुई लेस को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि वो मैंने इसके दामन पर ही लगा दिया था। अब ये जो लेस थी मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ इसके लगाई है, ये है इसकी बैक साइड। अब देख लेते हैं इसकी बॉटम। तो इसकी जो बॉटम है वो भी मैंने सिंपल सादी सी शलवार बनाई है, इसके जो है नीचे पाइचों पर भी हम वो लेस लगा सकते थे, लेकिन जैसे कि थोड़ी सी जो है दिक्कत हो सकती है वो लेस के धागे निकलने की, इसीलिए मैंने इसके पाइचों पर नहीं लगाई और बिल्कुल ही सिंपल सी इसकी शलवार रखी। चाहे तो जैसा कि मैंने कहा ये बची हुई लेस अगर बिल्कुल मिलती जुलती हमें लेस मिल जाती है इस तरीके की, तो कुरेशा लेस, तो हम इसे इस तरीके से भी हम इसके पाइचों पर लगा सकते। अगर आप इन सूट के दुपट्टे देखना चाहते हैं तो अनस्टिच सूट की जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी पसंद आए, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी ये जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।